दोस्तों साल था 1953 का और बेंगलुरु के एक छोटे से गांव में एक दर्जी के यहाँ पे एक बच्चे का जन्म होता है। और दोस्तों यही बच्चा फिर पहले तो अपने पिता के दर्जी के काम को ही करता है और बाद में भारत की सबसे बड़ी रियल इस्टेट कंपनियों में से एक भी बनाकर खड़ी कर देता है, जिसकी वैल्यूएशन आज के दौर में लगभग 13,000 करोड़ के आसपास है। अब दोस्तों सवाल यही है कि एक दर्जी का बच्चा जिसके यहाँ पे खाने तक के लाले हुआ करते थे, उसने कैसे दिमाग लगाया और इतनी बड़ी रियल इस्टेट कंपनी बनाकर खड़ी कर दी। दोस्तों इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो के लिए एक लाइक, और अगर आप भी ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों जिस बच्चे की शुरुआत में बात की गई वो था इरफान रजाक। दोस्तों इनका जन्म जैसा कि मैंने पहले बताया 1950 में बेंगलुरु के एक छोटे से गांव में हुआ था। और दोस्तों इनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो भी गांव में ही हुई, जैसे तैसे इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, क्योंकि इनके पिता दर्जी का काम किया करते थे और जो इनके आसपास के मोहल्ले के लोग थे या आसपास के जो गांव के लोग थे ये सिर्फ उनके ही कपड़े सिला करते थे, और कपड़े सिल के उतने पैसे मिल नहीं पाते थे कि अच्छे से परिवार का खर्चा भी निकल पाए। बिजनेस करना तो बहुत दूर की बात थी इनके लिए। तो वहीं से इरफान रजाक के मन में ये एक भावना आई कि यार क्यों ना हम भी कुछ अपना ऐसा काम करें जिससे कि हम लोगों की मदद भी कर पाएँ और हमारे पास अच्छा खासा पैसा भी आए। लेकिन दोस्तों ये सोचना इनके लिए बड़ी बात इसलिए भी थी क्योंकि जहाँ दो वक्त की रोटी मिलना ही मुश्किल है, वहाँ बिजनेस के लिए इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से, कौन इनको पैसे देगा। और दोस्तों वो दौर भी ऐसा हुआ करता था जहाँ पर बिजनेस करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ माना जाता था। हालांकि इनके लिए इतनी जल्दी किसी बिजनेस को करना इम्पॉसिबल ही था, इसीलिए शुरुआत में इन्होंने अपने पिता का जो सिलाई का काम था उसको ही किया, और सिलाई करके जो पैसा मिलता था उसको इन्वेस्ट करते रहते थे ताकि उस पैसे से ही कुछ बड़ा बिजनेस किया जा सके। इस तरह से छोटी छोटी सेविंग्स का पैसा इकट्ठा करने के बाद फिर इन्होंने अपने आसपास के जो इलाके थे वहाँ पर एक छोटा सा प्लॉट लेकर डाल दिया कि भैया फ्यूचर में ये हमारे काम आ सकता है। और दोस्तों ये छोटा सा प्लॉट ही इनको एक बड़े बिजनेस तक पहुँचाने वाला था, क्योंकि दोस्तों जब इनके परिवार में कुछ समस्याएं आईं तो इनको पैसों की ज़रूरत पड़ी, और जब इनको पैसों की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने अपने उस छोटे से प्लॉट को बेच दिया, और वो प्लॉट उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा रकम में बिका। देखा जाए तो जब इन्होंने लिया था और बेचा था उसमें काफ़ी अंतर आ चुका था। तो इससे इनको एक चीज़ का तो पता चला कि यार अगर हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर हम बाद में उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो उससे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है, और यहीं से एक बिजनेस आइडिया का जन्म होता है। यहाँ से इनके मन में एक आइडिया क्लिक किया कि यार क्यों ना लोगों के लिए प्रॉपर्टी बनाकर बेची जाए, क्योंकि अगर हम खाली प्लॉट बेचेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी उतनी कीमत हमको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम उसी प्लॉट में एक या दो मंजिला मकान बनाकर और फिर उसको डबल कीमत पर भी बेच सकते हैं। और यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ फिर प्रेस्टीज इस्टेट्स नाम की कंपनी का। दोस्तों बेसिकली इन्होंने इस कंपनी को इसीलिए बनाया था कि ताकि लोगों को ये प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर सकें और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी ये निकाल सकें। इस तरह से फिर इन्होंने धीरे धीरे अपने जो इलाके थे उनमें प्रॉपर्टी को बनाना शुरू किया। जैसे एक प्रॉपर्टी आती उसके पैसे से फिर दूसरी प्रॉपर्टी ले लेते, उसको बेचने के बाद जो प्रॉफिट होता उसको मिलाकर फिर ये अगली जगह पर प्रॉपर्टी ले लेते। इस तरह से शुरुआत में इन्होंने धीरे धीरे प्रॉपर्टी खरीदना बेचना इस तरह से करके काफ़ी सारा प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। अब लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये थी कि भैया 80-90 का दौर ऐसा हुआ करता था कि वहाँ पर लोगों के पास उतने पैसे ही नहीं हुआ करते थे कि वो लोग बने बनाए मकान लें। उस दौर में तो भैया यही था, लोग जैसी झोंपड़ी वगैरह में रहा करते थे वैसे ही रहा करते थे। तो यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे लोगों को टारगेट किया जो मिडिल क्लास थे, यानी कि भैया जिनका ज़्यादा बजट नहीं था, वो सस्ते में प्रॉपर्टी लेना चाहते थे। तो इसीलिए इन्होंने उन लोगों को ही टारगेट किया कि भैया जिनको सस्ते में प्रॉपर्टी चाहिए वो हमसे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों समस्या ये थी कि उस दौर में ना तो कोई मार्केटिंग का ऐसा कोई जरिया था कि भैया जैसे आज के टाइम पर आपने ऑनलाइन ऐड चला दिया या फिर जगह जगह एडवर्टाइज़ करा दिया, टीवी पर ऐड दिखा दिए। उस समय पर जो मार्केटिंग हुआ करती थी वो 1-to-1 ही हुआ करती थी। ये लोगों से मिलते थे, गांव-गांव जाते थे और अपनी जो कंपनी थी उसके बारे में लोगों को बताया करते थे कि भैया अगर किसी को सस्ते में मकान या प्लॉट लेना है तो वो हमसे संपर्क करें। इस तरह से जो शुरुआती मार्केटिंग थी इनकी वो आसपास के लोगों से ही होती थी, और जब अगर ये किसी बंदे को प्लॉट या अपनी प्रॉपर्टी बेच देते थे तो फिर वही बंदा और 4 लोगों को या अपने रिश्तेदारों को बताता था कि यार मैंने तो फलाने बिल्डर से ये मकान लिया है या फलानी कंपनी से ये प्रॉपर्टी ली है। तो इस तरह से इनकी जो मार्केटिंग थी वो लोगों के द्वारा ही होती थी। अब दोस्तों इनका जो कारोबार था धीरे धीरे चलने लगा, लोग इनसे जुड़ने लगे, इनसे प्रॉपर्टी खरीदने लगे। और दोस्तों प्रॉपर्टी का काम इनके लिए सुटेबल इसलिए भी था क्योंकि इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत भी कम थे, क्योंकि रजाक भी ये चीज़ जानते थे कि भैया अगर एक बार प्रॉपर्टी लेकर डाल दी
तो उसमें कोई भी लॉस नहीं होने वाला। बेशक वो साल दो साल या चार साल पाँच साल में भी बिके तो वो प्रॉफिट ही देकर जाने वाली है, क्योंकि लोग भी इनसे जुड़ते जा रहे थे और लोगों की डिमांड भी अलग अलग तरह की होती थी कि भैया हमको इस तरह का घर चाहिए या हमको इस तरह का घर चाहिए। तो फिर ये लोगों की ऑन डिमांड उनको घर बनवा कर दिया करते थे, तो उस दौर में वो एकदम से नया कॉन्सेप्ट था। लोगों को भी लगता था यार कौन झंझट में पड़ेगा, सीधा सीधा बना बनाया ही प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। अब दोस्तों इन्होंने अपने रियल इस्टेट के कारोबार को धीरे धीरे फैलाना शुरू कर दिया। बेंगलुरु से शुरू हुआ इनका कारोबार, धीरे धीरे कोच्ची, चेन्नई और भी साउथ के अलग अलग स्टेटों में इन्होंने अपने कारोबार को फैलाया और रियल इस्टेट के अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, जिससे इनको नए नए जो ग्राहक थे वो तो मिले ही, साथ में इनकी कंपनी भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुई। और उसके बाद तो इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कंपनी ने अभी तक लगभग 285 प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली पूरा किया है। और दोस्तों लगभग 7.5 एकड़ हेक्टेयर में आज इनके लगभग 50 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिससे कंपनी करोड़ों रुपए की अर्निंग कर रही है। और दोस्तों कंपनी की पिछले साल की यानी कि 2023 की अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी ने लगभग 12,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। इस तरह से कंपनी आज भारत की सबसे बड़ी रियल इस्टेट कंपनियों में से एक बन चुकी है। आज कंपनी DLF के बाद दूसरी सबसे बड़ी रियल इस्टेट कंपनी है। तो दोस्तों इस तरह से कभी दर्जी की दुकान चलाने वाले एक शख्स ने आज भारत की सबसे बड़ी रियल इस्टेट कंपनियों में से एक प्रेस्टीज ग्रुप बनाकर खड़ी कर दी है। तो दोस्तों इसी कंपनी की वजह से आज इरफान रजाक का नाम दुनिया के 200 अमीर लोगों की सूची में भी आता है। तो दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसी लगी अपनी कमेंट में राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।